मेरे चैनल को देखने के लिए सब्सक्राइब करते रहिए, बेल आइकॉन का बटन दबाइए। फेसबुक पर देखते हैं तो उसको लाइक करना ना भूलें। नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं राम मोहम्मद शेख पब्लिक चैनल से। दोस्तों आज फिर एक बार कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पे आई हैं जो पूरे हिंदुस्तान को शर्मसार कर देने वाली घटना है कि ये वीडियो जो है आपको जो मैं दिखाने जा रहा हूँ ये बिहार साइड का है, नेहरू नगर कहीं आता है वहां का है। लेकिन ये तस्वीरें जब आप देखोगे तो आप खुद इतना मतलब गुस्से में आप हो जाओगे कि ये लोग जहां भी मिले हम उनका कत्ल कर दें। तो ये एक लड़की है, कोचिंग क्लासिंग की एक लड़की है जो स्टूडेंट है, पढ़ती है। वो अपने दोस्त के साथ में कहीं बैठी हुई थी, वहां पर पांच लोग जो है गए और पांच लड़के मिलके जो है किस तरीके से बारी बारी उसको रेप किए हैं और उसको मजबूर कर रहे हैं बोलने पे और उसको ब्लैकमेल करके और उसका वीडियो बना के सोशल मीडिया पे जो है ये वायरल किया गया है। तो मैं प्रशासन से ये अपील करूंगा कि जल्द से जल्द ऐसे लोगों को ढूंढ के जो है और इनको सिर्फ और सिर्फ फांसी की सजा दी जाए कि इनको समाज में रहने का कोई हक नहीं है। ये नैनू नगर में लड़की है, खोलो खुला। अरे यहाँ पर क्या कर रहा है? लेवा अरे माफ कर दे भाई, एक एक बार नहीं मारेगा इसको। हाँ नहीं खराब हो गई, खराब हो गई। वायरल कर देंगे तुरंत। अरे ट्रायल होता है, छूट जाता है, ट्रायल होता है, ट्रायल पे हम लोग न्यायिक प्रक्रिया में हम लोग हम लोग कुछ लोगों का अपना कर रही था। पहले भी दो चार बार इस तरह का घटना हुआ है, विदेशी पर्यटक के साथ भी हुआ था। उस मामले में क्या रिजल्ट हुआ कुछ पता नहीं चला, यही तो है सर, दबा दिया जाता है। जबकि सर उस तरह का घटना करने वाले लोग जो है चिन्हित सबके नजर में, रोड छाप वाले लोग क्यों नहीं है? शांति जगह राजगीर में आए दिन इस प्रकार के बलात्कारियों का घटना होते रहता है, लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। राजगीर तो पुल पर जंगल इलाका, तो जंगल इलाका है, कोचिंग संस्थान भी जितना है वहाँ पर भी बच्चे लोग का भीड़, असामाजिक तत्वों का भीड़ लगा रहता है, जिससे आए दिन बच्चे लोग बहुत परेशान रहती है। बच्चे लोग रास्ते में लोग कमेंट करते हैं, जगह जगह पर स्कूल सरकारी स्कूल है वहाँ पर कानून जल्दी से जल्दी जो है इनको पकड़ सके और इनके ऊपर कार्रवाई हो सके। मैं लाल मोहम्मद शेख फिर एक नई न्यूज के साथ हाजिर हूँ, जब तक के लिए खुदा हाफिज़।